डेली की तरह मैं भी कुछ आज नया करने की सोच रहा था। सो उसी चक्कर में मेरे को जो है पुराना सामान ढूंढते ढूंढते कोई ऐसी आइटम मिल गई जिसके ऊपर मैं काफ़ी टाइम से जो है एक वीडियो बनाना चाह रहा था। तो वह ये एडजस्टेबल लीवर है जो कि मैंने जो है एक टाइम पे परचेज़ किए थे और इसके ऊपर मैं वीडियो बनाना चाह रहा था और इसको मैं लगाना चाह रहा था अपनी बाइक में। तो आपको पता होगा कि ये ऐसे वाले जो लीवर होते हैं ये स्पोर्ट्स बाइक के लिए आते हैं, जो नॉर्मल बाइक होती है जैसे स्प्लेंडर वगैरह के लिए ऐसे लीवर जो है नहीं आते हैं। सो मैं इसको जो इंस्टॉल करना चाहता था स्प्लेंडर में, तो गाइस आपको पता है कि डिफरेंट होगा बिल्कुल ये प्रोसेस इसको इंस्टॉल करने का। सो उसी चक्कर में मैंने जो है अपने पुराने वाले जो लीवर होते हैं उसको देखा और उनको जो है मैं खोलने में लग गया। तो जैसे मैंने जो है ये लीवर को खोला तो मेरे को पता चला कि ये बिल्कुल जो है डिफरेंट है। आप देख सकते हो इसका कोई भी स्ट्रक्चर जो है वो मैच नहीं करता था। सो उसके लिए मेरे को इसको काटना पीटना पड़ता। तो गाइस लीवर काफ़ी अच्छी हैं ये देखने में और फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी मेरे को लग रही थी और मेरे को जो है और ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी इसको जो है इंस्टॉल करने में। तो उसी चक्कर में मैं शॉप पे गया और शॉप पे जाके मैंने जो है एक एंगल ग्राइंडर जो कि मैं यूज़ करता हूँ अपनी शॉप पे उसको मैं लेके आया और एंगल ग्राइंडर से अभी मैं इसको जो है थोड़ा काटा पीटी करना चाह रहा था। तो आप देख सकते हो ये बिल्कुल डिफरेंट है। सो इसको मेरे को जो है आइडेंटिकल बनाना पड़ेगा दोनों को। सो आप देख सकते हो इसको भी जो है मैं काटूंगा थोड़ा ग्राइंडर की मदद से और थोड़ा सा इसी तरह का जो है मैं इसको डिज़ाइन दूंगा। तो चलिए इस प्रोसेस को जो है शुरू करते हैं। सो गाइस एंगल ग्राइंडर से मैंने जो है काफ़ी टाइम इसको लगा दिया इसको अच्छा करने में, जो कि मैं आपको जो है वीडियो में जो है नहीं बता पाया क्योंकि मैंने वीडियो को कट कर दिया था। मेरे को पता नहीं था खुद कि मैं इसको बना पाऊंगा या नहीं, लेकिन फाइनली मैंने इसको जो है कुछ इस तरह से डिज़ाइन कर दिया था कि इसका जो डिज़ाइन है वो एकदम जो है इसके बराबर हो गया था। और जैसे मैंने इसको जो है इंस्टॉल करना चाहा तो ये मेरे को पता चला कि इसको मैं काफ़ी ज़्यादा पतला कर चुका हूँ। तो जैसे मैं इसको इंस्टॉल करने लगा तो ये जो है बिल्कुल एकदम जो है बिखर गया, टूट गया। सो इस तरह से बिखरा गया, जैसे एक चीनी जैसे बिखरती है उस तरह से ये टूट के बिखर गया। तो अभी मेरे को जो है इसकी क्वालिटी पर डाउट होने लगा था क्योंकि इसका जो है टूट के बिखरना कुछ इस तरह से मेटल का, तो वो मेरे को अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी, क्योंकि मैंने इसको ज़्यादा जो है ऐसे थोड़ा जोर भी नहीं लगाया और ऐसे थोड़ा सा इसको मोड़ा तो ये कुछ इस तरह से बिखर गया। तो फाइनली मैं गाइज मैं आपको जो है बताना चाहता हूँ कि ऐसे जो प्रोडक्ट होते हैं जो जिनका कोई ब्रांड वगैरह इतना अच्छा नहीं होता है वो ऐसे टूट के बिखरना एक जो है छोटी सी बात होती है, लेकिन यहाँ पे मेरे को एक सीख मिल गई है, कभी भी कोई प्रोडक्ट अगर ख़रीदना है तो वो बिल्कुल एकदम जो है जेन्युइन क्वालिटी का ही ख़रीदना है। तो ये मेरे को जो है ये काफ़ी मैं दिनों से पड़ा हुआ था ये प्रोडक्ट, तो उसके ऊपर मैं जो है ये इसको वीडियो बनाया था। और बाकी मैं आपको बता दूँ इसी तरह के जो प्रोडक्ट है वो अच्छी क्वालिटी में भी आते होंगे, जैसे ये 6 जो है एडजस्टेबल है, मतलब 6 स्टेप जो है एडजस्टेबल है, 6 तरह से आप इसको जो एडजस्ट कर सकते हो आगे पीछे करके। उसी तरह के प्रोडक्ट जो और भी मार्केट में मिल जाएंगे और ट्राई करेंगे कि स्प्लेंडर के लिए भी कुछ इस तरह का जो प्रोडक्ट है वो मिले हमें, और जैसे मेरे को मिलता है प्रोडक्ट मैं इसको जो है इंस्टॉल करूंगा अपने स्प्लेंडर प्लस में। होप गाइस कि आपको ये जो है आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका।